हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मैन इन इंडिया की सीरीज़ का पार्ट वन। फर्स्ट है डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, एम सलीम एवं एस एम जैकब। सेकेंड है पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे, वह हैं सी के नायडू। थर्ड है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है, वह है गोविंद शंकर गुरुप। ये मलयालम में जीते थे 1965 में। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार को मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। फिफ्थ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। सिक्स्थ है व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे, ये हैं रामविलास शर्मा। सेवन्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो वह हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। एट्थ है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ये आप सभी को पता है, राकेश शर्मा। नाइन्थ है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। और टेंथ है ICS की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका पार्ट टू बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तब तक आप सब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।